हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की क्लासेस के अंदर हम जानदार एंड शानदार टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो इससे पीडियाट्रिक की शानदार क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है एंड अभिनंदन है। बने रहिएगा बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के साथ में और दीजिए अपने सपनों को एक नई पहचान हम सभी से जुड़कर। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में इमीडिएट केयर। आज इस क्लास के अंदर इमीडिएट केयर कुछ पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो अगली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब जितना भी हमसे डिस्कस किया जाएगा उतना इस क्लास में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर कोट लेके आया हूँ, केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत में बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। हम सब ड्रीम्स देखते हैं, सबको अपने अपने ड्रीम्स देखने के सबको अधिकार हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को कब कंप्लीट कर पाएंगे दोस्त? जब तक आप उनके लिए मेहनत नहीं करेंगे तक उन ड्रीम्स को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उतर जाइएगा मैदान में, भिड़ जाइएगा अपने इस करियर की अपॉर्चुनिटी के साथ में, लड़ जाइएगा नॉरसेट, ESIC, DSSSB, RML, SGPI, जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए फाइट करने के लिए अपने अंदर बूस्ट कर लीजिएगा इम्यूनिटी को। और चलिए, इसी के साथ में अपनी इम्यूनिटी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं आज पीडियाट्रिक की क्लास में इमीडिएट केयर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इमीडिएट केयर में कौन सी केयर हम कर सकते हैं पीडियाट्रिक के लिए। तो हमारा एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो सबसे पहले हम कौन सी केयर करेंगे? तो मैंने सीक्वेंस में सारी केयर यहाँ पर आपको नोटिफाई करने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले हम करते हैं, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हम उसका एयर वे क्लियरेंस करेंगे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। आफ्टर दैट हम अपगार स्कोरिंग करते हैं, थर्ड नंबर पर हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे, आफ्टर दैट क्लीन एंड रैप द बेबी इन न्यूबॉर्न बेबी, आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन वेंड अप्लाई करेंगे, और इसके बाद कुछ मेडिकेशंस होती हैं, उसके आई ड्रॉप और विटामिन के वगैरह होती हैं, उन सबको हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी केयर है इमीडिएट केयर। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा हमको अपनी केयर स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए, सबसे पहले एयर वे क्लियरेंस। तो एयर वे क्लियरेंस करने के लिए गाइज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एयर वे क्लियरेंस। सबसे पहले ही हम उस बेबी का क्या करते हैं, सबसे पहले एयर वे क्लियरेंस करते हैं। तो एयर वे क्लियरेंस करने के लिए जब से पहले बेबी डिलीवर होगा सबसे पहले तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी दोस्त? पोजीशन देनी पड़ेगी। और बच्चे के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? तो आपको याद रखना है, हेड लो पोजीशन दी जाती है। कौन सी? हेड लो पोजीशन, ऐसी पोजीशन जिसके अंदर बेबी का सर डाउन रहे, जिसकी वजह से जो सीक्रेशन है बेबी के वो माउथ में आ सके, इसलिए हम हेड लो पोजीशन बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं ट्रेन डेन लैनबर्ग पोजीशन। ट्रेन डेन लैनबर्ग पोजीशन, इन दोनों पोजीशन में से हम कोई सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा, बेबी के जो सीक्रेशन होंगे वो सीक्रेशन किधर आ जाएंगे? माउथ की तरफ आ जाएंगे। सीक्रेशन कम इन टू दी माउथ, और माउथ में सीक्रेशन आने के बाद में हम उनको क्या कर देंगे? सक्शनिंग से बाहर निकाल देंगे टू रिमूव आउट द सीक्रेशन। इसलिए हम बेबी को कौन सी पोजीशन देते हैं? कौन सी पोजीशन देते हैं? हेड लो पोजीशन दी जाती है, या फिर हम इसी को बोलते हैं ट्रेन डेन लैनबर्ग पोजीशन। आई होप गाइस जी आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले बेबी को सक्शनिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोजीशन देनी पड़ेगी। आफ्टर दैट हम सक्शनिंग करेंगे बेबी का, क्या करेंगे? सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग पहले की जाती है, ध्यान रखना, फर्स्ट फ्रॉम माउथ। सक्शनिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले माउथ के सीक्रेशन स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हम आफ्टर क्लियर करेंगे नोज के सीक्रेशन। क्या करेंगे? नोज के सीक्रेशन आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो सक्शनिंग करोगे पहले वो माउथ में करेंगे, आफ्टर दैट हम किस पे जाएंगे? हम किस पर जाएंगे? नोज क्लियर करेंगे, नोज के अंदर जो सीक्रेशन होंगे उनको क्लियर करेंगे।
कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो एक सिरिंज यूज की जाती है उस सिरिंज का नाम होता है असेप्टो सिरिंज। सिरिंज का नाम क्या है गाइस? असेप्टो सिरिंज। तो असेप्टो सिरिंज, जैसा कि इस इमेजेस में क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर असेप्टो सिरिंज डाली हुई है इमेज के अंदर, इसमें ये असेप्टो सिरिंज का डायग्राम दिया हुआ है, बल्ब सिरिंज के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। तो इसमें देखिए, ये सिरिंज से पहले माउथ के सिक्रेशन को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, आफ्टर दैट हम नोज के सिक्रेशन को रिमूव आउट करते हैं। तो सक्शनिंग में ध्यान रखना है आपको सेप्टो सिरिंज या बल्ब सिरिंज यूज करनी है, उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, सारे के सारे सिक्रेशन बाहर निकाल पाएंगे। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बेबी के सिक्रेशन बार बार रिमूव करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं सक्शन ट्यूब को। इसको सक्शन ट्यूब का यूज किया जाता है। तो सक्शन ट्यूब का यूज करते हैं, सक्शन ट्यूब कौन से नंबर की हम बच्चों के अंदर डालते हैं, ये आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर। पिछली बार भी पूछा गया है चिल्ड्रन के अंदर कौन सी ट्यूब यूज करते हैं। पहले तो ट्यूब के लिए कलर कोडिंग के लिए हम उसके लिए एक ट्रिक याद कर लेते हैं, विपाशा वशु वाइट गोरी। वाइट गोरी, गोरी को हम अलग अलग सारे के सारे वर्ड इनके अलग कर देंगे, विपाशा वशु वाइट गोरी। अगर विपाशा वशु अगर मेरी इस क्लास को देख रही हैं, तो बुरा ना माने, मैंने एक ओनली ट्रिक बनाई है, किसी का नाम विपाशा भी है तो आप बुरा ना माने। विपाशा का वैसे कलर तो डाउन है, सबने देखा हुआ है, लेकिन हमारी ट्रिक में है गोरी। गोरी का मतलब विपाशा पशु व्हाइट गोरी बताई गई है, यहाँ पर कुछ गलत मानने की कोई वजह नहीं है, हमने तो उनको गोरा बोला है, तो गोरी है विपाशा पशु। तो विपाशा मीन्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, विपाशा मीन्स ब्लू कलर, विपाशा मीन्स ब्लू कलर, पशु मीन्स ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट मीन्स तो है ही व्हाइट, भाई व्हाइट को तो कोई चेंज ही नहीं करता। जी मीन्स होता है यहाँ पर, जी मीन्स होता है ग्रीन, क्या होता है ग्रीन। ओ मीन्स ऑरेंज, आर मीन्स रेड, और ई वाई मीन्स येलो कलर। तो देखिए यहां से हम याद कर सकते हैं सभी की सभी सक्शन ट्यूब को। जो ब्लू कलर की ट्यूब आती है वो 8 गॉज की होती है, 8 फ्रेंच की होती है, और बसु वाली जो होती है वो 10 की होती है। इसी तरह से दो दो नंबर बढ़ाते जाओ, ये 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, और ये 16 फ्रेंच, ऑरेंज की 16 की, रेड की होती है 18 की, और येलो की होती है 20। इस तरह से ये सारे के सारे कलर कोडिंग यूज की जाती है। एक हम इससे ऊपर और लिख लेते हैं, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन जो होती है आपकी 6 नंबर की होती है। कितने की? 6 नंबर की होती है। तो इस तरह से हम कलर कोडिंग याद रखते हैं। हमारा बेबी अगर न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न के अंदर जो हम ट्यूब यूज करते हैं वो 6 नंबर और 8 नंबर करते हैं। हम देखिए ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के 10 नंबर की यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम 10 नंबर की ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से उसको म्यूकोजल इंजरी हो सकती है। इसलिए हम न्यू बॉर्न के अंदर 10 नंबर की रेयरली यूज करते हैं, कभी भी यूज नहीं करते। तो ध्यान रखना है 10 नंबर और 12 नंबर हम यूज करते हैं इन चिल्ड्रन के। अपना बेबी न्यू बॉर्न नहीं है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के हम यूज करेंगे 10 to 12 फ्रेंच। और ध्यान रखना 14 to 16 फ्रेंच हम यूज करते हैं इन एडल्ट में। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। तो कोई पर्सन एडल्ट है उसके अंदर 14 से लेके 20 नंबर, हम मोस्टली जो यूज की जाती है हॉस्पिटल के अंदर 14 नंबर और 16 नंबर मोस्ट कॉमनली ट्यूब यूज की जाती है, इसमें से भी 16 नंबर को ज्यादा यूज करते हैं। फीमेल है तो 14 नंबर, मेल है तो हम उसके अंदर 16 नंबर यूज करते हैं। तो गाइस ये हमारे कलर कोडिंग है सक्शन ट्यूब की, आपको याद रखनी है स्ट्रिप के साथ में। ट्रिक का नाम है पाशा वशु वाइट कोरी। होप शो कि आपको ये क्लियर रहा होगा। दोस्त हमने अभी ट्यूब देखी है, हम एक ट्यूब को कनेक्ट करते हैं सक्शन मशीन के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है इसको? सक्शन मशीन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। गाइस सक्शन मशीन का जो प्रेशर है वो कितना रखते हैं? सक्शन मशीन का प्रेशर कितना रखते हैं? तो सक्शन मशीन का प्रेशर डिपेंड करता है कि अपना जो बेबी है वो प्री टर्म है या फिर टर्म बेबी है। कैसा? प्री टर्म बेबी है या फिर अपना बेबी टर्म बेबी है। तो दोनों में से कोई एक बेबी होगा जिसमें से हम उस सक्शन प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अगर बेबी अपना कैसा है? प्री टर्म है। बेबी कैसा है? प्री टर्म है। तो
उस प्रीटर्म बेबी को हम जो प्रेशर रखते हैं मशीन का वो होता है 40 to 60 mm ऑफ एच जी। कितना होगा गाइस? 40 to 60 mm ऑफ एच जी। और टर्म बेबी है तो यहाँ पर रखेंगे 60 to 80 mm ऑफ एच जी। अगर टर्म बेबी है तो हम यहाँ पर जो प्रेशर रखते हैं वो कितना रखेंगे? 60 to 80 mm ऑफ एच जी। चलिए हम आगे भी देखते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो इसके अंदर कितना प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं? 80 to 100 mm ऑफ एच जी। और अगर एडल्ट पर्सन है तो उसके अंदर हम कितना इस सक्शन मशीन का प्रेशर मेंटेन करके रखेंगे? तो नोट कर लीजिएगा 100 to 120 mm ऑफ एच जी। तो गाइस ये प्रेशर याद कर लीजिए, प्रीटर्म बेबी के 40 to 60 mm एफ जी मेंटेन करेंगे, टर्म बेबी है तो 60 to 80, चिल्ड्रन है तो 80 to 100 mm ऑफ एच जी, और एडल्ट पर्सन है तो 100 to 120 mm ऑफ एच जी प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ड्यूरेशन कितना होना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि सक्शन प्रेशर आप कितनी देर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसका जो सक्शन प्रेशर अप्लाई करने का जो टाइम है, आइडियल टाइम 5 to 10 seconds है। कितना? 5 to 10 seconds, जो मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन के आता है। नॉट मोर देन 10 seconds वी कैन यूज फॉर टू सक्शन मशीन प्रेशर बिकॉज इट कैन कॉज हाइपोक्सिया एंड शेल डैमेज। तो जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हम इस प्रेशर को 10 seconds से ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। आइडियल टाइम अपना 5 to 10 seconds है। यहाँ पर भी अगर आपसे पूछता है कि प्री टर्म है अपना बेबी या फिर टर्म है, तो ध्यान रखना है अगर प्री टर्म बेबी है 5 to 10 seconds तो अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर प्री टर्म बेबी है तो अप टू 5 seconds तक ही हम क्या करेंगे प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और टर्म बेबी है तो इसके अंदर 10 seconds तक हम प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। अपना बेबी कैसा है? टर्म है तो हम 10 seconds तक प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना इंसर्शन ऑफ सक्शन कैथेटर। तो हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंसर्शन कर रहे हैं सक्शन कैथेटर को। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जब हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं उस टाइम पर मशीन जो होती है सक्शन मशीन हमेशा कैसी होनी चाहिए? मशीन शुड बी ऑफ। जब हम सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे उस दौरान हमारी मशीन होनी चाहिए, ऑन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो सक्शन है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा ड्यू टू प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर लगता है और ये कहीं दूसरी जगह पे जाकर डेरेंट हो जाएगा, चिपक जाएगा और यहाँ से आप सीक्रेशन बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वहां की म्यूकोसा डैमेज हो सकती है। इसलिए आप इंसर्ट करते टाइम पे ध्यान रखना है हमको मशीन हमेशा अपनी ऑफ करनी होती है। पर जब एक चीज और ध्यान रखनी है, हम कहां तक इस सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे? अगर एक क्लाइंट है हमारे पास अनकॉन्सियस, दूसरा क्लाइंट है कॉन्सियस, अनकॉन्सियस क्लाइंट के अंदर कब तक आप सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करते रहोगे? क्या उसके लंग्स में डाल दोगे, ट्रेकिया तक करो? कोई ना कोई तो पॉइंट होगा इन दोनों में, अनकॉन्सियस पेशेंट है या कॉन्सियस पेशेंट है। तो गाइस एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आती है कि हमारा जो कॉन्सियस क्लाइंट है वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा गैग रिफ्लेक्स, और जैसे ही गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करें वैसे ही समझ जाना कि सक्शन कैथेटर अपनी एप्रोप्रिएट लोकेशन से पहुंच चुका है। अब यहीं से आपको क्या करना है? सक्शन कैथेटर को रिमूव करना स्टार्ट कर देना है। ये तो कॉन्सियस क्लाइंट में अपना गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा। गैग रिफ्लेक्स बोले तो जैसे कि उसको स्नीजिंग होगी एकदम से, उसको स्नीजिंग होगी कफिंग होगी, इससे हमें इंडिकेट मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग भी उसको हो सकती है, इससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि इसके अंदर अब गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो गया है, अब हमको सक्शन कैथेटर को रिमूव यहीं से करना है। लेकिन अगर क्लाइंट हमारा अनकॉन्सियस है तो उसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो गया है? उसके अंदर तो गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट नहीं होगा, तो उसके अंदर हम आप सबको हमेशा ध्यान रखना है अनकॉन्सियस क्लाइंट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे ऑफ सक्शन कैथेटर टिल द शो रेजिस्टेंस
जब तक रेजिस्टेंस शो नहीं हो जाता तब तक हम इंसल्ट करते रहते हैं, और जैसे ही रेजिस्टेंस शो होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा सक्शन कैथेटर जो है वो पहुंच चुका है रीच टू द लेवल ऑफ कैरिना पॉइंट। कैरिना पॉइंट क्या होता है? बाइफर्गेशन ऑफ ट्रेकिया, जहां से ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइडेड होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। और ये कैरिना पॉइंट जहां से बाइफर्गेशन हुआ है ट्रेकिया का, वहां तक कैथेटर पहुंच जाएगा, तो वहां पर रेजिस्टेंस शो करेगा। जब ये रेजिस्टेंस शो करेगा तो हम समझ जाएंगे कि अपना जो सक्शन कैथेटर है वो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच चुका है, और यहीं से हमको फिर वापस रिमूव आउट करना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपको, सक्शन कैथेटर आपने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करते टाइम मशीन हमेशा आपकी ऑफ रहेगी। और कब तक इंसर्ट करेंगे? अनकॉन्शियस क्लाइंट में, जब तक रेजिस्टेंस शो नहीं होता, कॉन्शियस क्लाइंट में गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट नहीं होता, तब तक हम इंसर्ट करते रहते हैं। जब आपकी बारी आई है सक्शन कैथेटर को रिमूव करने की, तो रिमूव कैसे करेंगे आप? रिमूव करते टाइम आपको ध्यान रखना है मशीन को सबसे पहले ऑन करना है, मशीन शुड बी ऑन। जब आपको मशीन ऑन करनी पड़े, क्योंकि अब तक मशीन जब इंसर्ट कर रहे थे तो मशीन आपकी ऑफ थी, अब हम रिमूव करेंगे तो आपको मशीन पहले ऑन करनी पड़ेगी और रिमूवल करेंगे कैथेटर को, रिमूवल ऑफ कैथेटर इन रोटेटरी फॉर्म। अब आपको जो सक्शन कैथेटर है वो आपको रोटेट करते हुए आपको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। तो रोटेट करेंगे इसलिए क्योंकि जो सराउंडिंग में जो म्यूकोजा जो सीक्रेशन होंगे, म्यूकोजल सीक्रेशन होंगे, वो सारे के सारे हमारे सक्शनिंग के साथ में बाहर आ सके, इसलिए हम रोटेटरी फॉर्म अप्लाई करते हैं। ध्यान रहेगा दोस्तों, ये अपना अप्रोप्रिएट मेथड है सक्शन करने का। आफ्टर दैट हम सक्शनिंग करने के बाद में बेबी को हम क्या देंगे? टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। बेबी को क्या करेंगे? टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। टैक्टाइल स्टिमुलेशन से बेबी क्या करेगा? बेबी क्राई करना स्टार्ट कर देगा। और विदाउट टैक्टाइल स्टिमुलेशन आपने देखा है कि बहुत कम बेबी अपने आप स्टार्ट कर पाते हैं क्राई करना, और जब हम उनके पीठ को थपाते हैं तेजी से, उसे क्या करता है? बेबी क्राई करना कर देता है। तो यहां तक ये आपकी विद इन 1 मिनट के अंदर की प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी प्रोसेस होती है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है? उसके बाद में ओटू थेरेपी बच्चे को देते हैं। बच्चे को क्या देंगे? ओटू थेरेपी देनी होती है, और ओटू थेरेपी के देते हैं जिसकी वजह से बच्चे का SpO2 लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। SpO2 चेक करेंगे बच्चे का 1 मिनट पर कितना होगा, 1 मिनट पर कितना होगा, 2 मिनट पर कितना होगा। तो ध्यान रखना है, अगर हम SpO2 चेक कर रहे हैं बच्चे का, तो हमारे बच्चे का SpO2 1 मिनट पर, जब बच्चा 1 मिनट का हुआ है तब उसके अंदर SpO2 लेवल कितना होगा, ध्यान रखना है 60 से 65% होगा। 60 से 65% बोल सकते हैं SpO2, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ सॉरी, 60 से 65% ही बोलेंगे। आफ्टर दैट 2 मिनट पर चेक करेंगे तो हम इसमें 5 का इंक्रीजमेंट करेंगे, 65 to 70% होगा। अगर हम 3 मिनट पर चेक करते हैं इसका SpO2 तो 70 to 75% होगा, और अगर हम 4 मिनट पर इसका SpO2 चेक करेंगे तो 75 से लेके 80% रहेगा, और 5 मिनट पर चेक करेंगे तो हमारे बेबी का SpO2 80 से लेके 85% होगा, और इसका SpO2 अगर हम 10 मिनट पर चेक करते हैं 85 से लेके 95% रहता है। तो याद कर लीजिए गाइस, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, कुछ भी इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। बट 1 मिनट पर हमारे बेबी का SpO2 हम चेक करेंगे तो 60 to 65 होगा, 2 मिनट पर 65 to 70 होगा, 3 मिनट पर 70 to 75 होगा, 4 मिनट पर 75 to 80 होगा, 5 मिनट पर 80 to 85, और 10 मिनट पर ये SpO2 बढ़ के 85 से 95% हो जाता है, इसके बीच में आएगा। तो होप सो गाइस कि ये हमारा जो इमीडिएट केयर जो हमने देखा है, सबसे पहले सक्शनिंग, ये क्लियर हुआ। तो सक्शनिंग के अंदर हमने एयर भी क्लियरेंस कर लिया है, सक्शनिंग कर लिया, पोजीशन दे लिया बच्चे को, ये सारे के सारे काम हमने कर लिए हैं।
दैट हम दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं और इसका नाम है अपगार स्कोरिंग। क्या है अपगार स्कोरिंग? तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये अपगार स्कोर है। अपगार स्कोरिंग से बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये डेवलप किया था किसने? डेवलप्ड बाई, देखो यहां पर सीन हो रहा होगा आपको, डेवलप बाई डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। उन्होंने अपने सरनेम के ऊपर ही इसका नाम दे दिया था। कौन सी ईयर थी? तो ये देख रहा होगा को 1952। कब? इन 1952, 1952 के अंदर डिस्कवर हुआ था। 1952 में ही आपकी सीपीजेड भी डिस्कवर हुई थी। सीपीजेड क्लोरप्रोमाजिन, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये भी डिस्कवर हुई थी। इस अपगार स्कोर का दूसरा नाम भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज फर्स्ट असेसमेंट ऑफ बेबी, फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट टेस्ट आफ्टर बर्थ, आल्सो कॉल्ड एज बेबीज फर्स्ट टेस्ट, बेबीज फर्स्ट टेस्ट, हम इसको नाम देते हैं बेबीज फर्स्ट टेस्ट। ये बेबी का अपना सबसे पहला टेस्ट होता है। इसके अंदर क्विक असेसमेंट किया जाता है, बहुत जल्दी जल्दी असेसमेंट किया जाता है। क्विक असेसमेंट के थ्रू हम बच्चे के कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पता लगाते हैं। इसके अंदर ये कितने कितने बार पे किया जाता है? सबसे पहले 1 मिनट पर करते हैं, उसके बाद हम 5 मिनट पर करते हैं। 1 मिनट पर करेंगे, उसके बाद 5 मिनट पर करेंगे। 5 मिनट भी करते हैं, अगर 5 मिनट का हमारा अच्छा आया तो वेल एंड डन। उसके बाद में अगर 5 मिनट वाला भी अपगार स्कोर हमारा सही नहीं आया तो उसके बाद हम 10 मिनट पर और कर सकते हैं। तो अपगार स्कोर मेनली अगर आपको साइंटिफिकली पूछे तो आप हमेशा आंसर कीजिएगा कि 2 बार किया जाता है। अगर हमारा दूसरी बार में भी अगर अपगार स्कोर फॉल आ रहा है तो हम तो फिर तीसरी बार भी करेंगे, जो हम आंसर करेंगे 10 मिनट पर। क्लियर गाइस? ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में एक एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बॉडी सिस्टम आर इन्वॉल्व इन अपगार स्कोरिंग एक्सेप्ट, कौन से बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व किए जाते हैं अपगार स्कोर के अंदर? एक ऑर्गन को छोड़, क्या इसके अंदर कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम? 3 सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है। जिसका राइट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक कौन सा सिस्टम ऐसा है जो इस अपगार स्कोर में इंक्लूड नहीं किया जाता? और ये क्वेश्चन आपका PHU 2019 में आया हुआ है, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, आपने आंसर दे दिया है और मुझे लगता है कि सबने अच्छा ही आंसर इसका अपने माइंड में क्रिएट किया होगा। इसका आंसर है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का असेसमेंट अपगार स्कोर के अंदर नहीं आता। इसके अंदर हम कार्डियक सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का असेसमेंट करेंगे और नर्वस सिस्टम का असेसमेंट करते हैं। एक कौन सा सिस्टम का असेसमेंट नहीं करते? इंटेगुमेंट्री का नहीं करते हैं। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा अपना? इंटेगुमेंट्री सिस्टम होगा। टोटल पैरामीटर पूछे गए हैं अपगार स्कोर में कितने होते हैं, तो आपको पता है ना टोटल पैरामीटर, तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। 5 पैरामीटर इसके अंदर, 5 पैरामीटर इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। अपगार APGAR कितने पैरामीटर हो गए? ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पैरामीटर इन्वॉल्व किए गए हैं इस अपगार से। मतलब है A से मतलब है अपीयरेंस, A से मतलब है अपीयरेंस, P से मतलब है पल्स चेक करेंगे, G से मतलब है यहाँ पर ग्राइमेज चेक करेंगे, और A से मतलब है यहाँ पर एक्टिविटी या फिर मसल्स टोन देखते हैं, और आर से मतलब है इस बच्चे की क्या चेक किया जाएगा, रेस्पिरेशन रेट को चेक किया जाता है, बड़ी रेस्पिरेटरी असेसमेंट किया जाता है। बच्चा कैसा कर रहा है, क्राइली डल क्राई कर रहा है या वाइग्रस कर रहा है, ये सभी असेसमेंट इसके अंदर करेंगे। तो 5 कंपोनेंट इन्वॉल्व किए जाते हैं अपगार स्कोर। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे
जो अपगार स्कोर किया जाता है उसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस में गाइस याद कर लीजिएगा प्रागा, प्रागा, ये प्रागा हमारी शॉर्ट ट्रिक है। पी से मतलब है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बच्चे की, पल्स चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, पल्स चेक करते हैं। आफ्टर दैट हम बच्चे का रेस्पायरेशन चेक करते हैं। उसके बाद हम बच्चे का क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम बच्चे का अपीयरेंस चेक करेंगे, कलर जो हम बोलते हैं अपीयरेंस चेक करेंगे। आफ्टर दैट ग्राइमेस चेक करेंगे, और ग्राइमेस का मतलब क्या है बच्चे, हो मसल्स एक्टिविटी। और उसके बाद हम ग्राइमेस, और उसके बाद हम चेक करते हैं एक्टिविटी, रिफ्लेक्स है उसका मतलब, एक्टिविटी को चेक किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रागा से हम याद रख सकते हैं। प्रागा एक सीक्वेंस है, एक ट्रिक है हमको जो सीक्वेंस बनाती है अपगार स्कोरिंग का। तो इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही बेहतरीन जो कि इसके अंदर दिया गया है अपगार स्कोर का टेबल, क्या दिया हुआ है। तो हम लास्ट में भी यहीं तक आने वाले हैं और अभी भी यही डिस्कस करने वाले हैं टेबल क्या है अपने अपगार स्कोर का। तो ध्यान रखना है टेबल के अंदर ये मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पैरामीटर, और उनकी इधर मार्किंग की गई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपीयरेंस, क्या चेक करेंगे अपीयरेंस, किससे चेक किया जाएगा, कलर के द्वारा, बेबी के स्किन के कलर के द्वारा। तो अपगार स्कोरिंग में अपीयरेंस चेक करेंगे, अगर बेबी अपना नॉर्मल है, बेबी कैसा है, नॉर्मल है, पूरा का पूरा बेबी अपना पिंक है, पिंक है तो इसका मतलब है अपने वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से क्या हो रही है, O2 सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से बेबी के अंदर कोई भी साइनोसिस डेवलप नहीं हुई है, नो साइनोसिस डेवलप, नो साइनोसिस बेबी के अंदर, नो साइनोसिस। तो साइनोसिस है नहीं, पूरा का पूरा बेबी अपना पिंक हो रहा है, तो इसके अंदर मार्किंग करेंगे तो कितने नंबर देने हैं, दो नंबर देने हैं। अब नेक्स्ट देखना है आपको नॉर्मल एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज, बच्चे का जो बॉडी पार्ट है वो तो अपना कैसा है, पिंक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो कैसी हो रही है, ब्लू कलर की हो रही है, मतलब क्या है यहाँ पर साइनोसिस डेवलप हो गया है, और यहाँ साइनोसिस डेवलप हो गया है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, क्या बोलेंगे एक्रोसाइनोसिस, और एक्रोसाइनोसिस हो गया है डेवलप, इसका मतलब हम बेबी को मार्किंग कितनी करेंगे, एक नंबर की देते हैं। उसके बाद में अगर बेबी हमारा ओवरऑल ब्लू कलर का आ रहा है, बॉडी भी ब्लू कलर की है और इसकी एक्सट्रीमिटीज भी ब्लू कलर के, इसका मतलब इस बेबी के अंदर हमारे ऑक्सीजन लेवल है वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा फॉल हो गया है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लू हो रही है, साइनोसिस डेवलप हो गया है, हम इसको मार्किंग करने वाले हैं मात्र जीरो मार्किंग, कितने की, जीरो। अगर बेबी हमारा एंटायरली पूरा का पूरा उसकी बॉडी कैसी है, पिंक कलर की हो रही है, दो नंबर देंगे, हमारी बॉडी तो पिंक कलर की है बट एक्सट्रीमिटीज हमारे ब्लू कलर के हो गए तो एक नंबर के देंगे, और हमारी बॉडी और एक्सट्रीमिटी दोनों ही ब्लू कलर के हैं तो इसमें मार्किंग करने वाले हैं जीरो, कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। दैट हम देखेंगे इसके अंदर पल्स, पल्स बेबी की चेक करेंगे, तो इस पल्स के अंदर चेक करेंगे कि अगर बेबी की बीट्स कितनी आ रही हैं, 100 बीट्स से ज्यादा आ रही हैं, गुड आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, वेल एंड गुड है, दो मार्किंग कर दो इसके लिए, 100 से कम आ रही हैं तो आप इसके लिए वन मार्किंग कर दो, और पल्स लेस है अपना बेबी तो उसके लिए जीरो मार्किंग करेंगे, कितनी करेंगे, जीरो मार्किंग करेंगे। दैट हम देखते हैं ग्राइमेस, जो रिफ्लेक्स देखा जाता है, इरिटेबिलिटी देखी जाती है बेबी के अंदर, बेबी बहुत बढ़िया स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, वाइग्रस मानी तेजी से क्राई कर रहा है, क्या कर रहा है, तेजी से क्राई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हम उसको मार्किंग करने वाले हैं दो, कितनी, दो। और ग्राइमेस कैसे हो रहे हैं, ग्राइमेस कैसे हो रहे हैं, डल ग्राइमेस कर रहा है, वीक कर रहा है या मिनिमम कर रहा है, रिफ्लेक्सेस कैसे आ रहे हैं उसके, मिनिमम आ रहे हैं, तो हम उसको मार्किंग करने वाले हैं एक, और बेबी अपना बिल्कुल भी ग्राइमेस नहीं कर रहा, नो ग्राइमेस, नो रेस्पॉन्स, तो इस कंडीशन में हम जो मार्किंग करेंगे वो जीरो मार्किंग करेंगे। होप सो गाइस ये क्लियर हो रहा होगा आपका। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी मसल्स टोन को, अगर एक्टिविटी बच्चे के अंदर अच्छी है, गुड आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, एक्टिव है अपना बेबी, तो हम उसके लिए नंबरिंग करेंगे दो की, इस एक्टिव में अगर अपना बेबी एक्टिव है, मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है
ऐसी कंडीशन में हम कितना नंबर करते हैं, दो नंबर करते हैं। नेक्स्ट, अगर बेबी अपना आर्म एंड लेग्स फ्लैक्स है, इनके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, फ्लेक्शन है इसके अंदर, तो हम इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं एक्टिविटी जो हो गई है वो मिनिमम हो गई है। कैसी हो गई है? मिनिमम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो मार्किंग करेंगे वो एक नंबर की करेंगे, और बच्चा अपना बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एक्टिविटी एब्सेंट, तो इसके अंदर जो हम मार्किंग करेंगे वो जीरो की करेंगे। आफ्टर दैट हम चेक करने वाले हैं इस बेबी के अंदर रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में हमेशा ध्यान रखना है, रेस्पायरेशन बहुत अच्छे से क्राई कर रहा है, रेस्पायरेटरी एफर्ट देखा जाता है इसके अंदर, रेस्पायरेटरी रेट को चेक नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है रेस्पायरेटरी एफर्ट कैसा लगा रहा है। तो अपना बेबी अच्छा क्राई कर रहा है, बहुत तेजी के साथ रो रहा है, तो जल्दी से मार्किंग दे दो, दो नंबर की उसके अंदर। और अपना बेबी जो है वो मिनिमम क्राई कर रहा है, गैस्पिंग आ रही है बीच में और रेगुलर क्राइंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम मार्किंग करते हैं एक नंबर की, और बिल्कुल भी क्राई नहीं कर रहा, बेबी शांत पड़ा हुआ है, लेटा पड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो मार्किंग करेंगे वो जीरो की मार्किंग करते हैं। होप सो गाइस ये क्लियर हुआ होगा आपका। टेबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये पांच पैरामीटर आपको याद में रखने हैं, और इन्हीं के साथ में बच्चे की क्या करनी है, मार्किंग करनी है। उसी के साथ में देख लीजिए हम इस स्कोर को इंटरप्रेट करेंगे, तो स्कोर को इंटरप्रेट करेंगे तो ध्यान रखना है बेबी कितने नंबर लेके आ रहा है। अगर बेबी 7 से 10 नंबर लेके आ रहा है, कितने मार्किंग कितनी हो रही है, मैक्सिमम टोटल नंबर कितने लेके आ रहा है, 7 से 10 लेके आ रहा है, इसका मतलब है बेबी अपना बहुत बढ़िया है, नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन में भी बोले तो बेबी कैसा है अपना, बेबी अपना वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बेबी है, कुछ नहीं करना इसके लिए। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ हमने मार्किंग देख ली थी, दूसरे में हम कंडीशन देख रहे हैं बच्चे को, कंडीशन कौन सी डेवलप हो रही है, और तीसरे में हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना, आप रूटीन केयर करो, बच्चे की केयर करो और उस बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर मार्किंग दूसरे में ध्यान रखना है बच्चे की आई है 4, 4, 2, 7, 4 से लेके 7 के बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको करना है कि बेबी जो है उसके अंदर क्या डेवलप हो गया है, माइल्ड डिप्रेशन डेवलप हो गया है, माइल्ड डिप्रेशन डेवलप हो गया है। तो अगर माइल्ड डिप्रेशन डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेबी के अंदर माइल्ड डिप्रेशन हो जाता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बेबी को आप रूटीन केयर तो करेंगे ही करेंगे, रूटीन केयर के साथ में आपको क्या करना है, रूटीन केयर के साथ में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, O2 एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, स्कोर हमने देखा था 7 से 10 की जगह आप कर लीजिए 8 से 10, 8 से 10 स्कोर है, तो नो डिप्रेशन है, रूटीन केयर करनी है, बेबी अपना बैलेंस मूड है, इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर 4 से 7 के बीच में आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है बेबी अपना माइल्ड डिप्रेशन में चला गया है, रूटीन केयर करनी है, O2 एडमिनिस्टर करनी है बाई वेंटिलेटर, किसके थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू। आफ्टर दैट अगर स्कोर आ रहा है 0 से 3, कितना 0 से 3, 0 से 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है अपना बेबी कैसा है, सीवियर डिप्रेशन में चला गया है, किसके अंदर, सीवियर डिप्रेशन में चला गया है, और सीवियर डिप्रेशन में गया है बेबी। तो अब आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको करना है रिसक्सिटेट, बेबी को क्या करना पड़ेगा, रिसक्सिटेट करना पड़ेगा, रिसक्सिटेट बोले तो बच्चे को CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कंडीशन आपके पास यहाँ पर मैंने दी हुई है, सबसे पहले 8 से 10 स्कोर है, नो डिप्रेशन, बेबी अपना कोई भी डिप्रेशन में नहीं है, रूटीन केयर करो, डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर स्कोर 4 से 7 के बीच में आया है तो अब आपको क्या करना है, आपको माइल्ड डिप्रेशन, मतलब कंडीशन बता रहा है माइल्ड डिप्रेशन में चला गया, रूटीन केयर करो, O2 एडमिनिस्टर कर दो, वेंटिलेटर थेरेपी देनी पड़ेगी आपको, और 0 से 3 आया है तो सीवियर डिप्रेशन है, आपको बेबी को CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज द केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जल्दी से लेके आएंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग और उससे होने वाली केयर, आइडेंटिफिकेशन बैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो गाइस ध्यान रखना है, यहां तक तो हमने डेवलप कर लिया है अपना
हमने सारे के सारे हमने सारी केयर प्रोवाइड कर ली है, आप आपका स्कोरिंग कर ली है, नेक्स्ट क्लास के अंदर तैयार रहिएगा जल्दी से। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग और उससे रिलेटेड केयर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन वेंट के बारे में एंड मेडिकेशन एडमिनिस्टर के बारे में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर।